अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से। इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंक, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयं। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमास आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना सम्यक दृष्टियों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टियों का चिंतन किस प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, इस बात को बहुत अच्छे ढंग से मार्मिक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा था और ये बतलाया कि सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को शुद्ध मानता है, अपने आप को परम पवित्र मानता है। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान का ही रस लेता है, ज्ञान का ही स्वाद लेता है, विभाव भावों को अपना नहीं मानता। और कल तो गजब की बात कह दी थी कि जिन शासन का सच्चा सेवक भी मिथ्या मान्यताओं, खोटी मान्यताओं, पाखंडों के ऊपर वज्र प्रहार डालने वाला होता है। ये चर्चा भी कल काफ़ी निकल करके सामने आई थी कि हम यदि जिन शासन की सेवा करना चाहते हैं, हम यदि जिनेंद्र देव के सच्चे भक्त हैं, हम यदि वीतरागी तत्वज्ञान के सच्चे उपासक हैं, तो ये अकेली मेरी नहीं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, हम सब की ये जवाबदारी बनती है कि हम लोग जरूर और ज़रूर इन मिथ्या बातों को रोकें, रोकने का प्रयत्न करें। हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। यद्यपि ये बात परम सत्य है, अपना लोटा छान करके पियो, ये तो एक व्यक्तिगत हित की बात हो गई, ठीक है साहब अपना लोटा छान करके पियो, लेकिन ये तो किया ही जा सकता है ना कि अपना लोटा छानने के साथ साथ में अपने बच्चों का भी लोटा छानने या छनवाने का प्रयत्न करें, ये भी तो किया जा सकता है। कमल जी बोरा साहब कि हाँ साहब ये भी किया जा सकता है, अपना लोटा छान करके पीवे और बच्चों को भी कहें कि बेटा लोटा छान करके पियो। हे बच्चों के साथ साथ में फिर हम परिवार को भी ये कहें, हमारी जिम्मेदारी, हमारा परिवार है ना, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारे पोते पोती हैं, हमारे माता पिता भाई बहन हैं, भाभी हैं, चाची हैं, तो ये हमारा ही तो परिवार है, चाचा चाची वगैरह और जो ताई हैं, चाची हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, चाचा जी के लड़के हैं, घर की बहुएं हैं, बच्चे हैं, ये सब तो अपन अपने बच्चों को नहीं कहेंगे बेटा, अपने को तो कम से कम बेटा अपने को तो छान करके पानी पीना चाहिए। छान के पानी पीने का मतलब मैं यहाँ आप समझ रहे हैं ना, यहाँ छान के पानी पीने का मतलब मैं पानी पीने संबंधी प्रकरण की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना लोटा छान करके पीना माने अपने कल्याण के लिए इन व्यर्थ के आडंबरों से बचने की बात कह रहा हूँ, प्योर माल की बात कह रहा हूँ। विवेक जी सही कह रहे हो आप, क्या खुद बचो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम तो बचें
और हमारे दोस्तों को नहीं बताएं तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर भैया आप कैसे दोस्त हो? हम तो बच गए भाई साहब, हम तो बच गए कोरोना से, तो तुमने अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बचाया? उनको बचने की प्रेरणा क्यों नहीं दी? हम भी बच गए और परिवार वालों को भी दे दी, तो अपने सगे दोस्तों को नहीं दी, अच्छे दोस्तों को कि अरे यार तू निकलना मत, मैं कह रहा हूँ ना बस तू निकलना मत, इस समय ऐसा चल रहा है, इस समय ये हो रहा है, इस समय सावधान रहना। भाई साहब ये क्या कहें, यद्यपि वर्तमान का ये पंचम काल का ये कालखंड, जिस कालखंड में हम लोगों ने जन्म लिया है, ये कालखंड बहुत अच्छा है, क्या? क्योंकि यहाँ प्योर माल भी मिल रहा है, क्या? इसलिए बहुत अच्छे कालखंड में हमने यहाँ आकर के जन्म लिया है। लेकिन फिर भी क्या करें, मिलावट की दृष्टि से देखा जाए, भ्रष्टाचार, पाखंड, ये भी अपनी चरम सीमा पर दिखाई देते हैं। दोनों ही तरफ की बातें हैं। जैसे ज्यों ज्यों वैक्सीन लगती चली जा रही है लोगों को, त्यों त्यों कोरोना और पावरफुल होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे ये विशुद्ध तत्व ज्ञान की चर्चाएं अपनी बहुत उत्कृष्ट रीति से प्योर माल मिल रहा है, वैसे वैसे पाखंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए सच्ची सेवा यदि जैन शासन की कुछ है तो जैन समाज को बचाइए, भ्रष्टाचार से बचाइए विद्वानों को, और शिथिलाचार से बचाइए साधुओं को। एक बहुत मार्मिक बात यहाँ मैं कह देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग श्रावक लोग हैं, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हमारा कुछ हस्तक्षेप चलता नहीं है मुनिराजों के ऊपर, चलाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। हम होते कौन है उन्हें कुछ भी कहने वाले, क्योंकि उनका निर्णय, उनके आचरण, उनकी क्रियाओं का निर्णय उनके गुरु करें। लेकिन हमें देवगुरु धर्म का निर्णय करना है तो हम निर्णय कर सकते हैं। और यदि किन्हीं के साथ में शिथिलाचार दिखाई देता है, कहीं किसी का दिखाई दिया, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें रोकें, उन्हें टोकें, उन्हें समझाएं। लेकिन इसमें भी एक सावधानी रखने योग्य है, कभी किसी के सामने नहीं, क्या? कभी किसी के सामने नहीं, उनकी निंदा नहीं करना, उनकी आलोचना नहीं करना किसी की भी। हाँ, व्यक्तिगत रूप से उन्हें मिलकर कभी अकेले में शांति से उन्हें बता देना, समझा देना, बता देना अकेले में कि ये बात चलने वाली नहीं है, ये जैन शासन है, समाज सब देख रही है, दुनिया बहुत सब बुद्धिमान हो गई है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब शास्त्र पढ़ने लग गए हैं आजकल, इसलिए उनकी लाज भी बनी रहे, ठीक है ना? नहीं, नहीं होगी, आप सोच रहे हैं भैंस हो जाएगी, नहीं होगी, अकेले में भैंस नहीं होती, अकेले में सुनते भी हैं, और हो जाए तो हो जाए थोड़ी सी, हमें भैंस नहीं करनी है, हमें भैंस नहीं करनी है किसी से। हमें तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बहुत बड़े विनयपूर्वक, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत विनयपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्योंकि जिन शासन है ये, जिन शासन में ये कह रहे हैं, भाई साहब हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हम हैं सेवक, क्या? जिन शासन की सेवा करने का दायित्व हमारा है, जिन शासन की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। डॉक्टर मानमल जी साहब कोटा से बोलो, ये जो बातें हैं ये बड़ी गंभीर बातें हैं, विचारणीय बातें हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जरा देखना, विचार करना इन सब बातों के बारे में। अशोक जी बड़े अच्छे साहब, ठीक कह रहा हूँ ना? क्या देखिए क्या कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के संदर्भ में, बंधा है कि नहीं बंधा है ये बतलाइए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बंधा है या नहीं बंधा है? क्या पता साहब क्या स्थिति है, बंधा तो है ही, अभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, अभी तो बंधन में ही है, अभी तो संसार दशा ही है उसकी, तो अबंध कैसे होगा? अरे भाई, बंधन के काल में भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को निरंतर कैसा अबंध अनुभव करता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बराबर इस बात का अनुभव करता है, अरे मैं तो अबंध हूँ, अरे मुझे कौन बांधने वाला है, ये दुनिया की कोई ताकत मुझे बांधने में समर्थ नहीं है, ऐसा निरंतर अबंध का अनुभव करता रहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। यही बात चल रही है, वास्तव में तो बंधा ही नहीं है निश्चय से देखा जाए तो, क्या? निश्चय से यदि बात को देखेंगे तो सम्यक दृष्टि बंधा कहाँ है, बंधन तो भ्रम है। और इस बात को समझाने के लिए यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, दो सुंदर उदाहरण हैं, पेज नंबर 102 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए जरा निकालिए पेज नंबर 102 और फर्स्ट लाइन से ही देख लीजिए, इसलिए
फर्स्ट लाइन के लास्ट शब्द हैं, 102 नंबर पेज। इसलिए यह बंद रूप ही है, मिथ्या दृष्टि की बात थी। सम्यक दृष्टि पुरुष की अहम बुद्धि सब द्रव्यों से विलक्षण परम शुद्ध आत्मद्रव्य पर होती है। सम्यक दृष्टि की अहम बुद्धि कहाँ होती है? सम्यक दृष्टि किसमें अहम बुद्धि करता है? सम्यक दृष्टि का अपनापन किसमें होता है? सम्यक दृष्टि की तन्मयता किसमें होती है? लगाव किसके साथ में होता है? क्या तो ये कह रहे हैं आत्मद्रव्य के ऊपर ही उसका लगाव है, उसके प्रति ही सम्यक दृष्टि की बराबर श्रद्धा है। अतः वह अपने को बंध रहित ही समझता है। सम्यक दृष्टि अपने को बंध रहित ही समझता है क्या? एवं अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि अपने आप को अबंध अनुभव कर रहा है। अब आप कहेंगे साहब ये तो झूठ अनुभव कर रहा है, गलत बात का अनुभव कर रहा है। सम्यक दृष्टि तो संसार में है, घर गृहस्थी में है, परिवार के बीच में है और अबंध अनुभव कर रहा है अपने आप को। देखिए वास्तविक द्रव्यों का स्वरूप ही सिद्धांतों में ऐसा बतलाया है। क्या वास्तविक द्रव्यों का स्वरूप, ये द्रव्य का स्वरूप है जो सिद्धांत ग्रंथों में बतलाया है। जैसे एक गाय, ये उदाहरण है, अब देखना क्या गजब बात कह रहे हैं। जैसे एक गाय अपने खूंटे पर रस्सी से बंधी है। हमारे बहुत सारे पुराने साधर्मियों ने साथियों ने सुना होगा उदाहरण, बड़ा गजब का उदाहरण है, सच्चाई है, वस्तु स्थिति है। गाय किसी एक जगह पर खूंटे से रस्सी से बंधी है। वस्तुतः विचार किया जावे तो क्या वे गाय बंधी है? बोलो क्या वो गाय बंधी है? क्या नहीं, कदापि नहीं, वह गाय रस्सी से नहीं बंधी है। तो क्या बात कर रहे हो साहब, रस्सी से बंधी हुई दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, फोटो खींच करके बतला देवे रस्सी से ही बंधी है। वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बंधी है, गाय तो खुली हुई है, गाय तो खुली हुई है, रस्सी बंधी हुई है। पॉइंट टू बी नोटेड, गाय तो खुली हुई है, रस्सी बंधी हुई है। रस्सी और गाय के गले के बीच में अंगुली फिराकर भी देख लो, गाय का गला अलग है और रस्सी अलग है। रस्सी बंधी है ना, रस्सी यहाँ से रस्सी घुमाई नरेंद्र बाकलीवाल जी, ये रस्सी घुमाई हमने और रस्सी घुमा करके यहाँ गांठ बांध दी। अब रस्सी और गला इन दोनों के बीच में जरा उंगली घुमा करके देखो तो आपको क्या लगेगा? उंगली घुमाने पर कहीं भी नहीं है रस्सी, तो रस्सी तो बिल्कुल अलग थी, रस्सी बिल्कुल अलग है और गला बिल्कुल अलग है। क्या बात कर रहे हो यार, हम तो सोच रहे थे कि गाय बंधी हुई है, लेकिन रस्सी से रस्सी बंधी है। ऐसा ही है, जो गांठ बांधी गई है वो एक रस्सी के कॉर्नर की गांठ उसी रस्सी के दूसरी तरफ से बांधी गई है खींच करके। जब रस्सी से रस्सी बंधती है और बीच में गले की गर्दन, गाय की गर्दन होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि रस्सी से गाय बंधी है। लेकिन सच्चाई यह है कि गाय तो बंधती नहीं है। देखो अभी आगे कह रहे हैं, यदि वो समझ जाए इस रहस्य को कि मैं नहीं बंधी हूँ और अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो ताकत नहीं है उस खूंटे की जो बंधा रह सके। गाय की ताकत जानते हो क्या होती है? क्या कितनी ताकत है गाय में? देखिए क्या कह रहे हैं, गाय के मिथ्यात्व कर्म का उदय, गाय के भी मिथ्यात्व कर्म का उदय, बंधन मान रही है ये उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है। अतः वह समझती है कि मैं बंधी हुई खूंटे पर खड़ी हूँ, क्या करूँ भाई, मैं तो बंधी हुई हूँ खूंटे पर खड़ी हुई हूँ, क्या क्या मैं तो बंधी, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि वो गाय मिथ्यात्वी है, तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है उस गाय के भी। वास्तव में वह यदि यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ, यदि गाय यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ, तो गाय में ऐसी शक्ति है कि वह उस खूंटे को तोड़कर अपने आप को स्वतंत्र बना सकती है। इतनी ताकत है गाय में। क्या मान्यता का खेल है, मान्यता का और कुछ नहीं है। अपनी शक्ति को खो बैठे हैं अपनी मिथ्या मान्यता के कारण। आप जानते हैं ये जो होते हैं ना हाथी, हाथी क्या, वो हाथियों को जब पकड़ा जाता है, बंधन में लाया जाता है,
तो नकली हथनी जैसी कृत्रिम हथनी या ट्रेंड की हुई हथनी को सामने खड़ा किया जाता है, जंगल में गड्ढा किया जाता है और ऊपर घास या पाल इस तरह के रखे जाते हैं। हाथी आकर के उसमें गिर जाता है, गिर गया। अब गिरने के बाद अब क्या होता है, क्या अब ये होता है? ये तो उदाहरण अलग हो गया है, इसमें भी बात वही लागू होती है। इसी बात को दूसरे उदाहरण की तरफ घुमा सकता हूँ मैं इसी हाथी को, पहले इसको समझ लो। अब क्या होता है, वो जो ताकतवर हाथी है उस गड्ढे में गिरे हुए हाथी को चार चार छः छः महीने तक खाने को कुछ नहीं दिया जाता है, महीनों तक खाने को कुछ नहीं दिया जाता। बेचारा निकल नहीं पाता, थक हार कर परेशान हो जाता है। कितना, एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, महीना, छः महीना, क्या क्या, चार महीनों, दो दो तीन तीन महीने हो गए। अब वो महावत मनुष्य गति का जीव आता है, एक गन्ने का टुकड़ा डालता है। ओ भैया ये मेरा माई बाप है, क्या ओहो ये है ऐसा जो मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ये ऐसा जो मुझे खाने को दे सकता है, मुझे इसी के अनुसार चलना चाहिए, इसी के निर्देशन में चलना चाहिए। वो मिथ्या मान्यता को अपने मन में पाले हुए वो जीवन भर के लिए उस महावत के अधीन होकर के घूमता है, क्या जीवन भर के लिए अधीन होकर के घूम रहा है वो महावत उसके माथे पर बैठता है और उसकी सवारी करता है। वो हाथी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या मान्यता वाला है। एक दूसरे हाथी का एग्जाम्पल देता हूँ, छोटे छोटे से हाथी के बच्चों को पकड़ लेते हैं, क्या हाथी दांत के बहुत सारे बच्चे ऐसे साउथ अफ्रीका वगैरह के अंदर ऐसे बहुत हैं। हम जब अफ्रीका गए उधर नैरोबी की तरफ, तो हमने वहाँ ऐसे हाथियों को वो जो संरक्षण प्रदान करती है गवर्नमेंट, वहाँ हम देखने के लिए गए, और इतने छोटे छोटे से हाथी, मतलब आप दो दो फीट के बच्चे जैसे, ऐसे छोटे छोटे से दो दो ढाई ढाई फीट के, दो ढाई फीट के हाथी, छोटे छोटे से बच्चे, हाथी के बच्चे, और वो लाइन लगा करके उनको दूध उनको वो करते थे और पिलाते थे सब केनिया में और सब जगह पर। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, ऐसे बच्चों को पकड़ लिया और उन बच्चों को पकड़ करके सांकलों से बांध दिया। अब था तो बच्चा, अब वो सांकलों से बांध दिया तो अब वो कोशिश करता है, निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है, बच्चे की ताकत नहीं होती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और इधर से सांकल से बंधे होने के पर भी, उसको तोड़ने की शक्ति हो जाने पर भी, मान्यता में ये बैठा हुआ है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। अब बोलो बड़ा बलवान हो जाए हाथी, आठ फिट का, दस फिट का हाथी हो गया। अब दस दस फिट के हाथी ऐसे लंबे चौड़े, अब उस हाथी की कितनी ताकत है, आपके खूंटे सहित उखाड़ करके ले जाए उसको, क्या पेड़ को उखाड़ करके ले जाते हैं भाई साहब, पेड़ उखाड़ देते हैं, आप किससे बांधेंगे उन हाथियों को। लेकिन बचपन से चूंकि उन्हें पाला गया है और उनकी मान्यता इस तरह की बैठ गई है, मैं तो इसको तोड़ नहीं सकता, बस फिर तो। अरे मैं वो ऊंट का उदाहरण देते हैं ना, पुराना उदाहरण है, पुराने विद्वानों का मैंने भी कई बार दिया है, आचार्यों का उदाहरण है। माने वो 100 ऊंटों का लवाजमा जा रहा था, और 100 ऊंटों को बांधने के लिए उनके लिए रस्सी थी, उनके लिए खूंटा था, उनके लिए सारी वो सब चीज़ें सब ऊंटों के ऊपर अलग अलग थी। जाकर के पड़ाव डाला कहीं, जहाँ पड़ाव डाला गया वहाँ पर सबको बांध दिया, और बांधते बांधते लास्ट में पहुँचे तो एक रस्सी और खूंटा कम निकला। अब वो एक ऊंट बच गया, सारे ऊंट लाइन से 99 ऊंट खड़े हो गए, एक बच गया लास्ट वाला, अब इसको कैसे बांधे। बालक था, दौड़ता हुआ पिताजी के पास में चला गया, बोले क्या करें। पिताजी से जाकर के कही तो पिताजी ने कहा कोई चिंता मत कर, वही काम कर जो काम तूने 99 के साथ में किया। कि पिताजी है ही नहीं, खूंटा नहीं है, रस्सी नहीं है, क्या काम करूं मैं, क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात करूं मैं। बोले क्या कर रहा था, जैसे रस्सी घुमा रहा था वैसे रस्सी घुमा, रस्सी नहीं है, बोले हाथ घुमा कोई बात नहीं, खूंटा नहीं है कि कोई बात नहीं, ठोकने की एक्टिंग कर, नाटक कर, जैसे कर रहा था सेम प्रक्रिया। बोले पिताजी कैसी बात कर रहे हो आप, क्या कैसी बात कर रहे हो। बोले मैं कह रहा हूँ तू कर तो सही, और उसने जाकर के जैसे 99 को बांधा था इसी तरह से 100 नंबर वाले के गले में भी हाथ घुमाया, और नीचे रस्सी को जैसे बांध रहा था वैसे ही बांधते हुए कीला ठोकते हुए और हथौड़े से लेकर के और ठोक दिया उसको।
पिताजी चला जाएगा, पिताजी चला जाएगा, क्या रात को कहीं चला गया तो? अरे तू चिंता मत कर, तू जा करके सो जा। सो गए, सुबह रवाना होना था। वो ऊँट भागा नहीं भाई साहब, वो बैठ गया। क्या सारे के जैसे 100 के 100 बिल्कुल लाइन से लगे हुए थे, 56 नंबर डाले हुए थे। वो बहुत खुश हुआ, वाह पिताजी वाह, गजब हो गया, आपने क्या जैसे मंत्र पढ़ दिया हो, गजब हो गया भाई साहब। बोले अब सबको खोल दे और चलो यहाँ से आगे चलते हैं अपन। सबको खोल दिया उसने तो 99 तो चल दिए। क्या फिर दौड़ता हुआ गया पिताजी के पास। पिताजी लगता है वो 100 नंबर वाला जो ऊँट था वो बीमार पड़ गया, आपने क्या गले में घुमा करके उसको मंत्र पढ़ दिया, वो तो बीमार पड़ गया, वो तो उठता ही नहीं है। 99 तो जैसे ही खोला वो तो दौड़ पड़े उठ करके, और वो 100 वाला तो है। बोले तूने उसको खोला या नहीं? पिताजी वो तो खुला हुआ ही था। अरे बेटा जैसे 99 को खोला था वैसे खोलने की प्रक्रिया इसके साथ भी करनी थी, तू करके देख। और जैसे ही रस्सी को उल्टा घुमाने का एक्शन किया और वो ऊँट तो दौड़ करके भाग गया। ख्याल में आ रही है बात? हुआ क्या? मिथ्या मान्यता से बंधा है, अपने भ्रम से बंधा है, अपनी गलत फहमी से बंधा है, अपनी अज्ञानता से बंधा हुआ है, ना समझी के कारण बंधा हुआ है। ये भ्रम है, भ्रम क्या, ये भ्रम टूटना चाहिए, ये गलत फहमी टूटनी चाहिए। कितनी कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं हम, ये बता रहे हैं यहाँ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को अबंध अनुभव करता है, क्योंकि वो वास्तव में बंधा ही नहीं है। क्या बंधा ही नहीं है, अबंध अनुभव करता है। यदि गाय भी ऐसा समझ ले, वो मिथ्या दृष्टि था वो ऊँट, क्या ऊँट तो मिथ्या दृष्टि था, समझ में आ गई बात। और वो जो गाय थी वो गाय भी मिथ्या दृष्टि थी, जिसके गले में रस्सी समझ रही थी। और सुनो आगे चल करके बात करेंगे, पहले गाय की बात कर लेते हैं, फिर अपन नीचे उतर करके और बात करेंगे, दो मूर्खों की और बात करेंगे, फिर देखेंगे चारों तरफ मूर्ख ही मूर्ख नजर आते हैं तो फिर कौन समझदार है। देखें जरा क्या कह रहे हैं, कहाँ तक आ गए। वास्तव में वह यदि यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ, तो गाय में ऐसी शक्ति है कि वह उस खूंटे को तोड़कर अपने आप को स्वतंत्र बना सकती है। यह काम भेद विज्ञान शक्ति का है, यह काम भेद विज्ञान शक्ति का है। मिथ्या दृष्टि भी गाय की तरह खूंटे से अपने को बद्ध समझता है, मिथ्या दृष्टि भी समझता है, बंधा हुआ समझ रहा है अपने आप को, खूंटे की तरह बंधा हुआ समझ रहा है मिथ्या दृष्टि भी। और सम्यक दृष्टि गाय की तरह बद्ध न समझकर, सम्यक दृष्टि गाय की तरह बद्ध न समझकर खूंटे को तोड़कर भेद विज्ञान द्वारा अपने को स्वतंत्र बना सकता है। सम्यक दृष्टि क्या कर सकता है? गाय की तरह बंधा हुआ न समझे, सम्यक दृष्टि जीव गाय की तरह बंधा हुआ न समझकर खूंटे को तोड़कर भेद विज्ञान द्वारा अपने को स्वतंत्र बना सकता है। ओहो, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में ज्ञान के अभाव एवं सद्भाव का अंतर है। एक में ज्ञान का अभाव पाया जा रहा है, एक में ज्ञान का सद्भाव पाया जा रहा है। इस तरह से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीवों में ज्ञान के अभाव का और ज्ञान के सद्भाव का अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। क्या ज्ञान के अभाव और ज्ञान के सद्भाव का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है? बाकी तो एक जैसे ही है। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव शुद्ध मानता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव भी शुद्ध ही है। संवर अधिकार पर किया गया चौथा प्रवचन, संवर अधिकार पर किया गया मुमुक्षु ऑफ इनके लिए, नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए प्रातःकालीन सभा में किया गया वो प्रवचन, सुबह 6:30 बजे किया था आज। आप विचार करना जरा, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। क्या दोनों शुद्ध हैं? तो फिर फर्क क्या है साहब? जब दोनों शुद्ध हैं तो बोले होने का फर्क नहीं पड़ता है। होने का फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सारा मानने का है। होने में तो क्या है, सब एक जैसे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से। इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है